खरगोन जिले के सनावद में तीव्र रोग, दीर्घ रोग और घातक रोगों के समाधान के लिए दैनिक दिनचर्या से जुड़े सूत्रों पर जानकारी देते हुए शनिवार को श्रीराम स्मृति वन में स्वास्थ्य संवर्धन और परिवार प्रबंधन कार्यशाला का आयोजन किया गया। खरगोन के संतोष भारद्वाज ने स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देते हुए कहा कि कैसे शरीर को प्राकृतिक उपचार से स्वस्थ रखा जा सकता है। शांति कुंज हरिद्वार से केंद्रीय प्रतिनिधि नरेंद्र सिंह ठाकुर ने बताया कि मानव में देवत धरती पर स्वर्ग का अवतरण, व्यक्ति परिवार और समाज कैसे श्रेष्ठ बने, यह मूल अभियान है। गायत्री परिवार उसी क्रम में हमारे रचनात्मक अभियान के साथ में लेकर यह शिविर किया जा रहा है, जिसमें सनावद तहसील के 500 जोड़े आए हुए हैं, जिससे ज़्यादा युवा दाम्पत्य शामिल हुए हैं। इसमें कैसे परिवार का प्रबंधन होना चाहिए, आज के दौर में लाइफ मैनेजमेंट की ट्रेनिंग हो रही है। सनावद से प्रभु दोगया की रिपोर्ट। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अखिल विश्व गायत्री परिवार, जिसका मूल लक्ष्य है मानव में देवत्व और धरती पर स्वर्ग का अवतरण, व्यक्ति परिवार और समाज राष्ट्र कैसे श्रेष्ठ बने, ये मूल अभियान है गायत्री परिवार का। और उसी क्रम में हमारे रचनात्मक अभियान को साथ लेकर यहाँ पर स्वास्थ्य संवर्धन शिविर और परिवार प्रबंधन की एक कार्यशाला रखी गई है, जिसमें सनावद तहसील के लगभग 500 जोड़े इसमें शामिल हैं। और इन परिवारों को, इसमें अधिकतर युवा दंपत्ति हैं, और इनको कैसे परिवार का प्रबंधन होना चाहिए, आज सारी लाइफ मैनेजमेंट की बहुत सारी दुनिया में ट्रेनिंग हो रही है। टीवी सेट है, सोफा सेट है, डाइनिंग सेट है, बट लाइफ अपसेट है, तो हमारी ज़िंदगी कैसे खुशहाल बने। तो दाम्पत्य शिविर में दो हिस्से हैं, एक तो पहले दाम्पत्य के क्या सूत्र हैं, दंपत्ति को क्या क्या करना चाहिए, बाद में दंपत्तियों का संकल्प यहाँ पर कराया जाएगा। और इसके मूल सूत्र ये है कि प्यार और सहकार से भरा पूरा परिवार धरती का स्वर्ग है। जिस परिवार में प्यार है और सहकार है, क्योंकि अन्न खत्म हो जाता है तो मानव मर जाता है, और संस्कार खत्म हो जाते हैं तो मानवता मर जाती है। इसलिए ये अभियान चलाया जा रहा है कि हमारे फैमिलीज में, परिवारों में संस्कार, श्रेष्ठता, शिक्षा, स्वावलंबन, ये सारी चीज़ें जुड़े और ये परिवार श्रेष्ठ बने, तो इन्हीं से निकलने वाले नर रत्न श्रेष्ठ बनेंगे। आज बेटियों के साथ इतने अत्याचार हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि माताओं ने कान नहीं पकड़े अपने बेटों के। यदि माताएं अपने बेटों के कान पकड़ती तो बेटियों के साथ ये देश में नहीं होता। तो ये परिवार प्रबंधन में गृहस्थ जीवन को खुशहाल करते हुए, बच्चों को संस्कार देते हुए, बुजुर्गों का सम्मान करते हुए कैसे खुशहाल रहा जा सकता है, ये एक कार्यशाला। ठीक, क्या शुभ नाम है अपना? मेरा नाम नरेंद्र सिंह ठाकुर है, शांति कुंज हरिद्वार का एक विनम्र स्वयं सेवक हूँ। ओके, धन्यवाद जी। का एक अभियान है जो हम महिला जागृति अभियान के माध्यम से उसको पूरा करने जा रहे हैं। माता जी गुरुदेव की हम सभी अंग अवयव से ही अपेक्षा थी कि नारी आगे आए। नारी आगे नहीं आएगी, नारी काम नहीं करेगी तो परिवार स्वस्थ नहीं रहेगा, परिवार अच्छा नहीं रहेगा, बनेगा नहीं। तो माँ चाहती है कि हमारे बेटियाँ अच्छी निकले, है ना। आज के समय में जो हो रहा है, क्या घटित हो रहा है, हम सभी जानते हैं। तो महिलाओं को आगे आना बहुत ज़रूरी है, महिलाओं का स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। यदि महिलाएं स्वस्थ नहीं रहेगी तो परिवार का काम नहीं कर सकती। अब जब परिवार का काम करेगी तो आगे समाज का भी काम करेगी। मतलब अपने स्तर को ऊँचा उठाना, अपने आत्म कल्याण करना, अपनी आत्म तरक्की करने का भी काम महिलाओं को ही करना है। तो आज हम सब यहाँ पर परिवार प्रबंधन कार्यशाला में आए हुए हैं। यहाँ पर दंपति शिविर है, महिलाओं को जागृति लाने के लिए आए हुए हैं कि महिला जागे, अपने समाज के लिए, अपने परिवार का जो कर्तव्य है वो निभाए, साथ साथ अपने घर परिवार को की देखभाल भी करे, काम भी करे। और हम यही चाहते हैं कि वो स्वस्थ रहे, स्वच्छ रहे, कुरीतियों से लड़े, आगे बढ़े और देश में अपना, समाज में अपना कुछ वर्चस्व करें। क्या शुभ नाम है दी? रश्मि सोनी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।